जिला ऊना से शिफ्ट होकर आए दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। दोनों मरीजों के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में नियुक्त किए गए सेकेंडरी फेस के अस्पताल भोटा चैरिटेबल में डॉक्टरों द्वारा पूरे एहतियात के साथ इलाज किया जा रहा है। ये जानकारी हमीरपुर उपायुक्त हरकेश मीणा ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से संबंधित मानक प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और हमीरपुर के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हरिकेश मीणा ने कहा कि भोटा अस्पताल परिसर को दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जाएगा और स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी सावधानियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही तैनात स्टाफ के ठहरने के लिए भोटा स्थित ही एक निजी होटल में व्यवस्था की गई है, जहां पर भी सारी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि ऊना और हमीरपुर के कोरोना मरीजों के लिए भोटा अस्पताल में ही उपचार की व्यवस्था की गई है। टेबल हॉस्पिटल भोटा को गवर्नमेंट की तरफ से 7 अप्रैल को सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट हैं कोरोना पॉजिटिव, उनके लिए आइसोलेशन फैसिलिटी डिक्लेयर किया गया है। इट्स वन ऑफ द हॉस्पिटल जो अभी गवर्नमेंट ने 5 हॉस्पिटल्स को सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी अनाउंस किया है, और इसको ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली जो पॉजिटिव सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए रखा है। कल 11 तारीख को हमारे ऊना से 2 पॉजिटिव पेशेंट यहाँ रेफर हुए हैं। उनको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, बट उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके रेस्पेक्ट में क्योंकि इसको हमने सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, और इसमें हमने इसको MS मेडिकल कॉलेज के हैंड ओवर किए हैं। उसमें उन्होंने अपनी पूरी टीम जो डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की लगनी 18 लोगों की वो लगाई हुई है। उसमें ऑल मेजर्स विद, चाहे वो प्रोटेक्शन के रेस्पेक्ट में, चाहे वो ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में है स्टाफ की, वो सारे किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने 15 सिक्योरिटी जो पुलिस पर्सनल की रिक्वेस्ट की थी, हमने वो प्रोवाइड किए हुए हैं। उसमें सारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। तीसरा, मैंने STM को बोला है कि जहाँ उनके, क्योंकि CCTV कैमरे हैं लेकिन कुछ फैसिलिटी में CCTV कैमरे इसको और ऐड किया जाए, और इसको टोटल हमने हॉस्पिटल को आइसोलेशन में रखा है। सारे प्रोटेक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं उसमें। हमने वहाँ एक जो होटल था उसको भी रिक्वेस्ट किया है, उसमें 14-15 रूम्स हैं। जो भी हमारे स्टाफ उसमें लगाए हैं उनको हम वहीं ठहरने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और मेरी सभी से अपील है कि इट्स जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, इसमें जो कोरोना के सारे प्रोटोकॉल हैं हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 टर्शियरी केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने, चाहे वो टांडा मेडिकल कॉलेज है, चाहे IGMC शिमला है, चाहे नेहरचौक मेडिकल कॉलेज है, उन के रेफरल के साथ में जो सेकेंडरी फैसिलिटीज़ क्रिएट की है, एक वो सपोर्टिंग के लिए है। कांगड़ा में भी ज्वालामुखी में सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी क्रिएट की है, ESI बद्दी को सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी क्रिएट किया है, सिविल हॉस्पिटल सरहान में किया है। ऐसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सारे CMO से गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी है सेकेंडरी आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए। तो अभी क्योंकि सिरमौर और हमीरपुर के, जो ऊना और हमीरपुर के लिए इसको डिक्लेयर किया है, तो जो भी कल जो 2 पॉजिटिव आए थे, तो हमें यहाँ इसमें सारी उनकी टेक केयर और सारा अरेंजमेंट करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम कर रहे हैं। और मैं एश्योर करता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम पूरी ट्रेंड है और ऐसा फुल ऑल मेजर्स रह रहे हैं। हम लोग दिन में 3 टाइम उसमें सैनिटाइजिंग फैसिलिटी रखी है और सारा मेजर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उपायुक्त हरकेश मीणा ने कहा कि इस समय 250 PPT किट उपलब्ध हैं, जिसमें से 700 किट मेडिकल कॉलेज के पास है और ज़्यादा किट के लिए शिमला के लिए बैन भेजी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बचाव के लिए काम किया जा सके। साथ ही सेकेंडरी आइसोलेशन में 10 वार्ड की व्यवस्था की गई है और इसमें 5 पुरुष और 5 महिला कोरोना पीड़ित मरीजों को आइसोलेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। इश्यू नहीं है, डेफिनेटली एक सप्लाई रहती है उसमें। अभी 250-300 की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, कुछ मेडिकल कॉलेज के पास है। आज हमने शिमला गाड़ी भेजी है, 250 किट्स वो आज शिमला से लाएंगे। उसके अलावा भी हम अपने लेवल पे और अरेंजमेंट कर रहे हैं। सेकेंडरी आइसोलेशन में हमने जो सेपरेट रूम वाई है वो 10 का है, 5 मेल 5 फीमेल का। उसके अलावा हमारे पास 50 बेड्स भी है चैरिटेबल हॉस्पिटल कोटा में, तो वहाँ तक हम कैटर कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि हमने उसको बाहर आइसोलेशन इस कारण रखा क्योंकि यहाँ टाउन के बीच में मेडिकल कॉलेज पर रश काफ़ी रहता है। प्रपोजल ये भी था कि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल्स को सिटी में कर लें, लेकिन दैट वाज द आइडियल फैसिलिटी फॉर सेकंड आइसोलेशन।